मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही मॉडर्न सिटी से, जहाँ पर बहुत सारी एडवांस्ड मशीन्स थी। बुलेट ट्रेन से लेकर रोबोट्स तक सब कुछ था। यहाँ पर लोगों की मदद के लिए बहुत सारे रोबोट्स थे, जो कि उनके सारे कामों में उनकी मदद करते थे। इसके साथ ही हम रॉजर नाम के एक पपी को देखते हैं। रॉजर एक स्ट्रे डॉग था, उसका कोई ओनर नहीं था, जिसकी वजह से वो जगह जगह से खाना चुराया करता था। और इसी सब की वजह से एक पुलिस रोबोट उसके पीछे लगा रहता था कि किसी तरीके से रॉजर को पकड़ा जाए। अब एक दिन रॉजर को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और खाना ढूंढते ढूंढते वो किसी के घर में चला जाता है। वहाँ पर उसे बेल नाम की एक कैट मिलती है। रॉजर यहाँ घर से खाना चुरा रहा था और बेल ये सब कुछ देख लेती है, जिसके बाद इन दोनों की थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। और इस सब आवाज के बीच में बेल की ओनर उठ जाती है, और जब वो आती है तो रॉजर उसे देखकर भाग जाता है। अब उसे खाना भी नहीं मिला था और भूख भी काफी लग रही थी, जिसके बाद वो एक स्टोर में चला जाता है खाना ढूंढने के लिए। और उसके पीछे पीछे वो पुलिस रोबोट भी यहाँ तक पहुँच जाता है। रॉजर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से यहाँ से कुछ खाना चुरा कर भाग जाता है और उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वो अकेले रहा करता था। पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स यहाँ पर रहते थे, और रॉजर डेली बेसिस पे बाहर निकल कर खाना उनके लिए भी लेकर आया करता था। यहाँ पर आसपास ही डस्टबिन पड़ा था और उसमें से इनको कुछ आवाज आती है। पता चलता है कि इस डस्टबिन के अंदर एक रोबोट है। ये रोबोट अपना नाम बॉब बताता है और ये भी बताता है कि मैं एक ऐसा रोबोट हूँ जिसमें ह्यूमन फीलिंग्स हैं। और जब बाकी सारे रोबोट्स को ये बात पता चली थी तो वो मुझे क्रश करने वाले थे। मैं बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचाकर यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब इतनी उदास स्टोरी सुनकर बाकी सारे एनिमल्स बॉब को अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाते हैं। रात को जब रॉजर उस स्टोर से वापस आ रहा था तो उस पुलिस रोबोट ने उसका पीछा किया और उसे पता चल गया कि रॉजर कहाँ पर रह रहा है। इसी वजह से अगली सुबह वो पुलिस ऑफिसर एक बहुत बड़े से बुलडोजर को लेकर यहाँ पर पहुँच गया था और उसने सारी जगह को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। सारे एनिमल्स यहाँ से भागने लगते हैं। बॉब रॉजर को अपने साथ लेकर यहाँ से फौरन भाग जाता है, जिसकी वजह से रॉजर भी बच जाता है। अब बॉब रॉजर को लेकर एक पेट केयर वाली बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पर सिटी के बहुत सारे पेट्स भी थे। यहाँ पर रॉजर को बेल भी मिलती है। साथ ही टीवी पर एक न्यूज प्ले होती है, जहाँ पर सिटी का मेयर सबसे ये कह रहा था कि सारे इंसान इस सिटी को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो इस सिटी को और ज्यादा एडवांस करना चाहता था और चाहता था कि वो बहुत सारे रोबोट्स बनाए और बस रोबोट्स ही सिटी में रहें। सारे इंसान वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब सिटी को छोड़कर कैसे जाया जाए। इसके बाद भी वो मेयर एक बहुत बड़ा सा रोबोट जैसा स्पाइडर सिटी में छोड़ देता है, जो कि लोगों को डरा डरा कर सिटी से भगा रहा था। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, सबको सिटी छोड़कर जानी पड़ रही थी। अब यहाँ सिटी में रॉजर और वो सारे बस पेट्स ही रह गए थे, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लोगों के जाने के बाद ये बड़ा सा स्पाइडर रोबोट अब इन पेट्स के सामने आता है और इनको भी डरा रहा था। इन सारे पेट्स के बीच में से एक फॉक्स थी, जो कि बाहर आती है और इस स्पाइडर से कहती है कि हमें तुम्हारा मुकाबला करना होगा, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। बट वो उसको कुचल देता है, जिसके बाद अब बाकी सारे पेट्स के पास भी कोई और चारा नहीं बचता, क्योंकि ये सारे अब स्ट्रे थे। इन सब के ओनर्स तो सिटी छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद रॉजर सबको लेकर एक जू में जाता है कि अगर और कोई जगह नहीं तो शायद हम जू में रह लें। ये सारे पेट्स जब जू पहुंचते हैं तो वहाँ पर 3 वाइल्ड एनिमल्स नजर आते हैं, जो कि तीनों मिल जाते हैं कि हम इन पेट्स को पकड़ कर खा लेंगे। अब सिटी का मेयर बहुत सारे कैमरा से नजर रख रहा था। उसकी नजर अचानक से इन पेट्स पे और बॉब पे पड़ती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है कि बॉब अब तक बाहर क्या कर रहा है, क्योंकि उसने तो ऑर्डर दिया था कि बॉब को क्रश कर दिया जाए। मेयर अपने बाकी सारे रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि बॉब को पकड़ के लेकर आओ और उसको क्रश कर दो। दूसरी तरफ बॉब और बाकी सारे पेट्स के पास जू जाने का भी चारा नहीं था, क्योंकि वहाँ के तीनों वाइल्ड एनिमल्स उनको खाने की ट्राई कर रहे थे। अब बेल सबको कहती है कि मेरी ओनर तो सिटी छोड़ के चली गई है, मेरा पूरा घर खाली होगा, तो हम अब वहाँ पर जा सकते हैं। जिसके बाद ये सारे पेट्स बेल के घर चले जाते हैं। बेल का घर बहुत बड़ा था, वहाँ पर उसी तरह से बहुत सारे रोबोट सर्वेंट्स भी थे। पर थोड़ी ही देर के बाद ये सारे सर्वेंट्स इनके ऊपर ही अटैक कर देते हैं। पता चलता है कि मेयर ने सारे रोबोट्स को अपने काबू में कर लिया है, जिसके बाद अब ये लोग यहाँ से भी भाग जाते हैं और एक स्टेशन में पहुँचते हैं। यहाँ स्टेशन पे ये सब लोग एक ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, पर इसी के बीच में दो पेट्स पीछे रह जाते हैं।
ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है वो दोनों पेट्स जो रह गए थे वो भी अपना दिमाग लड़ाते हैं और पास ही शॉप से एक स्केटबोर्ड ले लेते हैं, जिसके बाद वो उसी के ऊपर ट्रेन को फॉलो करने लगते हैं। ट्रेन में सारे पेट्स रियलाइज करते हैं कि ट्रेन की स्पीड कुछ आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज होती जा रही है। पता चलता है कि मेयर को ये सब कुछ नजर आ रहा था और वो जानबूझकर ट्रेन की स्पीड को इतना तेज कर देता है ताकि वो क्रैश कर जाए और ये सारे पेट्स मारे जाएं। और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, ट्रेन ऑफ ट्रैक हो जाती है और क्रैश कर जाती है, पर फिर भी किसी पेट को कुछ नहीं होता। वो दोनों पेट्स भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये सब मिलकर एक बहुत बड़े से मॉल में जाते हैं। ये मॉल पूरा का पूरा खाली था। सारे पेट्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। पर ये एंजॉयमेंट भी काफी ज्यादा देर चल नहीं सकती थी। ये मेयर को सब कुछ नजर आ जाता है क्योंकि जगह जगह पर सारे रोबोट्स थे और वो हर जगह के रोबोट को कंट्रोल कर सकता था, जिसके बाद वो एक शॉप के सारे रोबोट्स को कंट्रोल करते हुए इनके ऊपर अटैक करवा देता है। पर पेट्स सारे मिलकर उनका बहुत अच्छे से मुकाबला करते हैं। पर यहाँ पर मॉल के सिक्योरिटी रोबोट्स पहुँच जाते हैं और साथ ही वो वाइल्ड एनिमल जू से भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मॉल के सिक्योरिटी रोबोट्स को लगता है कि वाइल्ड एनिमल ज्यादा खतरे वाले हैं, जिसके बाद वो उन्हीं पर अटैक कर देते हैं। रॉजर और बाकी सारे पेट्स इस बात का फायदा उठाते हैं और जब बाकी सब लोग बिजी होते हैं एक दूसरे को मारने में, ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक सुनसान सी जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर बॉब सबको कहता है कि मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए मुझे तुम लोगों से दूर रहना चाहिए ताकि मेरी वजह से तुम लोगों को कोई खतरा ना हो। यहाँ पर वो खुद ही एक पुलिस कार को बुलाता है ताकि खुद को पकड़वा सके और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में एक पुलिस कार आती है और वो उसमें बैठ के चला जाता है। ये सारे पेट अब सिटी छोड़कर जाने का प्लान कर रहे थे, पर रॉजर सबको कहता है कि मैं बॉब को छोड़कर नहीं जा सकता, उसने मदद की थी मेरी और अब मेरी बारी है, मैं उसको बचा कर लेकर आऊंगा, बट अगर मैं कुछ देर तक ना आया तो तुम लोग मेरे बगैर ही सिटी छोड़कर चले जाना और मेरा वेट ना करना, जिसके बाद रॉजर अकेले ही बॉब की हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है। बाकी सारे पेट्स जाने ही वाले थे कि बेल को अचानक से रियलाइज होता है कि उन्हें रॉजर को भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और अब उसकी मदद करनी चाहिए, पर इन सबको कुछ नहीं पता था कि बॉब को कहाँ पर लेकर जाया गया है और रॉजर भी कहाँ गया होगा। पास में ही एक एनिमल था जो कि इनको बता देता है कि ये बॉब को कहाँ लेकर गए होंगे। ये जगह एक फैक्ट्री थी जहाँ पर रोबोट्स बनते थे, जिसके बाद बेल और बाकी सारे पेट्स अंडरग्राउंड टनल से होते हुए वहाँ पर पहुँचने वाले थे। दूसरी तरफ फैक्ट्री में हम देखते हैं मेयर को और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि बेसिकली मेयर एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है, जिसे फ्रैंक नाम के आदमी ने बनाया था, जो कि बेसिकली इस फैक्ट्री का ओनर भी था और मेयर भी। फ्रैंक तो चाहता था कि पूरी सिटी के लोगों की मदद करे, जिसकी वजह से उसने रोबोट बनाए थे, बट उसके ही रोबोट ने उसे धोखा दे दिया था। फ्रैंक को लॉक करके उसने ही ऐसे पूरी सिटी पर रूल करना स्टार्ट कर दिया और अब उसका प्लान था कि पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करेगा। दूसरी तरफ जितने भी पेट्स थे वो टनल में से अंदर आ रहे थे, वहाँ पर उनको बहुत सारे टूटे फूटे रोबोट्स मिलते हैं। यहाँ पर वो रोबोट भी आता है जो कि पुलिस वाला था और रॉजर को काफी अरसे से फॉलो कर रहा था। वो यहाँ पर पेट्स को देखकर कहता है कि मैं भी एक ऐसा रोबोट हूँ जिसे कभी भी किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, और सारे बाकी रोबोट्स यही कहते थे कि मैं किसी काम का नहीं, तो अब मैं तुम लोगों की ही मदद करूंगा और बॉब को बचा लूंगा। दूसरी तरफ रोबोट्स ने बॉब को एक क्रश मशीन में डाल दिया था, जहाँ पर वो आगे जाते जाते क्रश होने वाला था। इससे पहले कि बॉब बिल्कुल क्रश हो जाता, रॉजर बाकी सारे पेट्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और बॉब को बचा लेता है। इतनी ही देर में वहाँ पर वो बड़ा सा स्पाइडर रोबोट आता है जो इन सब पेट्स के पीछे पड़ जाता है। बेल को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है, जो कि स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ लगाती है और उसे क्रश मशीन के पास ले आती है। जैसे ही वो मशीन के पास आता है उसमें फंस जाता है और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है, क्रश हो जाता है। यहाँ पर ये सारे पेट्स अब जाने वाले थे कि बॉब इनको बताता है कि फ्रैंक जो कि बेसिकली ओनर है इस सब चीजों का, वो यहाँ पर फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, जिसके बाद वो रॉजर को लेकर फ्रैंक के पास जाता है। वहाँ पर फ्रैंक को देखकर रॉजर को रियलाइज होता है कि बेसिकली वो उसका ओनर है जिसने बॉब को भी बनाया था। रॉजर फ्रैंक से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये सब लोग उस इविल रोबोट के पास जाते हैं जो कि पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता था। यहाँ पर फ्रैंक का एक बहुत
बहुत ही लॉयल रोबोट भी था जो कि पीछे से इस ईवल रोबोट को पकड़ लेता है। फ्रैंक फौरन से उसकी चिप बाहर निकालता है जिसके बाद वो फौरन ही शट डाउन हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक बाकी सारे रोबोट्स को ठीक करता है जो कि गलत काम करने के लिए प्रोग्राम हो चुके थे। साथ ही आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे लोग अब सिटी में वापस आने लगते हैं। सारे पेट्स भी खुश हो जाते हैं जब उनके पास अपने ओनर आते हैं। ऐसे ही वो वाइल्ड एनिमल्स भी जू में वापस चले जाते हैं और जो रोबोट्स थे वो अब लोगों की ही हेल्प कर रहे थे। एंड में हम देखते हैं कि जो बड़े से स्पाइडर रोबोट ने एक फॉक्स को मारा था वो भी मरा नहीं था। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और इससे पहले कि वो कुचला जाता वो वहां से भाग गया था। इसके बाद एंड में सारे पेट्स बेल के घर में बहुत मजे की पार्टी करते हैं और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है।